अब इंडिया में रियल मी X7 Pro लॉन्च हो ही रहा है, तो मैंने सोचा कि चलिए आज वीडियो बना देता हूँ इस फोन के ऊपर। तो फाइनली दोस्तों रियल मी X7 Pro इंडिया में जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। वैसे अगर आपको पता नहीं है कि ये फोन कब इंडिया में देखने को मिलेगा और इसी के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो चिंता मत करिए, आपको बता दूंगा कब ये फोन लॉन्च होने वाला है। तो फाइनली आप इंतजार कर रहे होंगे तो ये फोन किस प्राइस रेंज के साथ इंडिया में लॉन्च होगा, सब कुछ आपको वीडियो में बताएंगे, स्पेसिफिकेशन पूरा बताएंगे इस फोन का इस वीडियो में, इसे गलती मत सोचिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर जाके फॉलो करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं रियलमी X7 Pro के बारे में। चाइना में रियलमी X7 Pro पहले ही लॉन्च हो गया था, लेकिन इंडिया में आने में थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि ये फ़ोन थोड़ा ज़्यादा बेटर देखने में लग रहा है। मतलब सेट आप जैसा लग रहा है कि कंफर्म आप कर ही दिया है लगभग, क्योंकि ट्वीट उसका बार बार आ रहा है रियलमी X7 Pro के रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं इस फोन का कुछ लुक और डिज़ाइन के बारे में। आपको ये फ़ोन प्लास्टिक बैक में देखने को मिलेगा, क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा इस फोन में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको पीछे में कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। अगर लुक डिज़ाइन की बात करो तो अच्छा लुक डिज़ाइन है और रियलमी V15 का मैं वीडियो बनाया था, सेम उसी तरह का देखने को मिलता है, बस कैमरा में थोड़ा चेंज कर दिया है। आपको रियलमी V15 में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है और रियलमी X7 Pro में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। डिज़ाइन लगभग आपको सेम ही देखने को मिलता है दोनों फोन का। अगर डिस्प्ले से शुरू करता हूँ मैं, डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको 6.5 इंच का फुल HD+ वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है सुपर एमोलेड पैनल के साथ, एंड आपको हो सकता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिल जाए रियलमी X7 Pro में। पंच होल कैमरा के पैनल के साथ आएगा ये फ़ोन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और सुपर एमोलेड है तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट साथ में ही देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको साइड माउंटेड या पीछे में फिंगरप्रिंट कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, बस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा रियलमी X7 Pro। डिस्प्ले ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, रिफ्रेशिंग रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है एंड आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं इस फोन की पावर एंड प्रोसेसर की बात करूँ तो आपको इस फोन में देखने को मिलेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000+ का प्रोसेसर, जो कि हाल ही में ओप्पो रेनो 5 Pro में आपको देखने को मिला था, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है जिसमें आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस वाइज, कैमरा के मामले में भी, क्योंकि ये जो प्रोसेसर जिस फोन में लगा रहता है उसमें कैमरा में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000+ जो है पहला फ़ोन था ओप्पो रेनो 5 Pro बन चुका है, अब सेकेंड फ़ोन हो सकता है रियलमी X7 Pro बन जाए, क्योंकि ये फ़ोन हाल ही में आपको 5-6 दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000+ एक पावरफुल प्रोसेसर है, गेमिंग में या कैमरा में आप कुछ भी कर लीजिए, एक 5G प्रोसेसर भी है तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको गेमिंग में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस वाइज भी कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा एंड आपको 5G फोन सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओवरऑल प्रोसेसर आपको अच्छा देखने को मिल जाता है इस फोन में। तो फाइनली दोस्तों आ जाते हैं इस फोन का कैमरा सेटअप के बारे में। आपको रियर में 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी कंफर्म नहीं है कि 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने का मिलेगा या नहीं, लेकिन ज़्यादा चांस है कि आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है इस फोन में। उससे मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि इसी कैमरा इसी मेगापिक्सल के साथ ये फ़ोन आ सकता है, लेकिन 64 मेगापिक्सल के साथ तो ये फ़ोन ज़रूर आ सकता है। दोनों में से कोई भी कैमरा आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी लेंस में, 108 या आपको 64 मेगापिक्सल का ज़रूर देखने को मिलेगा, यही दोनों कैमरा में से कोई एक कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांस है 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल सकता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा पंच होल कैमरा में, जो कि ओवरऑल कैमरा में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा एंड प्रोसेसर डायमेंसिटी 1000+ तो है ही, तो कैमरा तो काफ़ी गजब होने वाला है इस फोन का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर बैटरी की बात करूँ तो आपको 4500 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि ठीक ठाक बैटरी है। अगर चार्जिंग की बात करूँ तो 65W का चार्जर के साथ ये फ़ोन आएगा, जो कि काफ़ी फास्ट चार्जर है, काफ़ी पावरफुल चार्जर है,
और बैटरी तो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता ही मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बैटरी के मामले में भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा निकल के आ जाता है। तो आपको डिस्प्ले पर ही फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक देखने को मिलेगा, टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। तो फाइनल दोस्तों बात कर लेते हैं इस फ़ोन का प्राइस के बारे में। आपको ये फ़ोन 6 GB का रैम एंड 128 GB स्टोरेज के साथ आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा लगभग 25,000 में, 25,000 से ऊपर नहीं होगा जहाँ तक हमें लगता है, अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा 22,000 से 23,000, लेकिन 25,000 के अंदर में आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि अभी आप सब जानते हो कि Mi 10i जो है लगभग आपको 21,000 में देखने को मिलता है, जो कि 5G फ़ोन है। रियलमी X7 Pro भी हो सकता है 25,000 के अंदर में लॉन्च, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगा। वैसे इस फ़ोन का मैं अगर लॉन्च डेट की बात करूँ तो ये फ़ोन 26 जनवरी को, ज़्यादा चांस है कि ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। 26 जनवरी को ये फ़ोन ज़्यादा चांस है कि इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर उस दिन भी लॉन्च नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि 30 जनवरी से पहले आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाए। कन्फर्म है ये बात, 30 जनवरी से पहले आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा इंडिया में। अगर आपका बजट 25,000 के अंदर में है और आप एक अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं, 5G फ़ोन लेना चाहते हो, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि रियलमी X7 Pro आपके लिए अच्छा होगा। वैसे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।